इस समय जो काम दो लोग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आने वाले समय में वो दोनों काम एक ही इंजीनियर कर पाएगा। एलएनटी एडुटेक और डीएवी यूनिवर्सिटी मिलकर सामने आए और इंडिया में ये एक फर्स्ट प्रोग्राम है इस तरह का जो किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और प्लस टू नॉन मेडिकल का कोई भी स्टूडेंट वो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। सब के सब स्टूडेंट्स जो डीएवी यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को चेन्नई लेके जाया जाएगा एलएनटी के हेडक्वार्टर पे। लड़कियों को बिना इंटरव्यू के भी बल्कि सिलेक्ट किया जा रहा है अगर वो कोर ब्रांचेस में है तो। मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो इस तरह की कोर ब्रांचेस में वो एडमिशन लेती हैं तो उनके लिए बहुत प्रोविजन है। तो लड़कियों ने अपने आप को साबित किया है और एक लड़की को डीएवी यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 32 लाख का जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से ही मिला है। दैनिक सूर्य टीवी देख रहे हैं आप और मैं हरमनजीत कौर। इस समय हम मौजूद है डीएवी यूनिवर्सिटी में। यहाँ एक नया प्रोग्राम आया है जिसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है डीएवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज कुमार और मैडम एमएफ फेबन, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, ये प्रोग्राम क्या है? आज हमने एलएनटी एडुटेक के साथ डीएवी यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के तहत हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, बीटेक मैकाट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग। जैसे कि आप सबको ये पता है कि 2030 के बाद सारे व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। तो ऐसे समय में एक ऐसी जो मैन पावर है वो चाहिए जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना सके। इस समय जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ईवी इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर रही है। तो डीएवी यूनिवर्सिटी ने एलएनटी एडुटेक के साथ एक ऐसा प्लान किया कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टेब्लिश करें फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग के लिए, और साथ ही साथ एक ऐसा कोर्स करिकुलम बनाएं जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, इंडस्ट्री टारगेटेड हो और ईवी इंडस्ट्री को जिस तरह की मैन पावर चाहिए वो मैन पावर तैयार की जाए। इस समय जो काम दो लोग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आने वाले समय में वो दोनों काम एक ही इंजीनियर कर पाएगा जो कि ईवी बैकग्राउंड से होगा। और इस तरह का प्रोग्राम चलाने के लिए और ऐसी मैन पावर प्रोड्यूस करने के लिए एलएनटी एडुटेक और डीएवी यूनिवर्सिटी मिलकर सामने आए और इंडिया में ये एक फर्स्ट प्रोग्राम है इस तरह का जो किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। जी, ये प्लस टू के बाद करना होता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद? ये प्लस टू के बाद, जैसे ही प्लस टू नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स जो जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम लेते हैं वो वाले स्टूडेंट्स, जो वो सब स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और प्लस टू नॉन मेडिकल का कोई भी स्टूडेंट वो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। मेरिट के बेस के ऊपर हम यहाँ इस कोर्स में एडमिशन देंगे। और इसका खर्च क्या है? इसका खर्च नॉर्मल प्रोग्राम्स जैसा ही है और इसमें जो 20 कोर्स हैं वो एलएनटी की जो जो इंडस्ट्री से जो एलएनटी के लोग हैं वही इस कोर्स को पढ़ाएंगे। और नॉर्मली किसी भी बीटेक प्रोग्राम में 42 से 46 कोर्सेज तक रहते हैं। हमने और एलएनटी ने मिलकर, जो हमारी बोर्ड ऑफ स्टडी है उसने 42 कोर्सेज का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें इन 42 कोर्सेज में से जो 20 कोर्स हैं वो एलएनटी पढ़ाएगी और हर कोर्स में एलएनटी एक
प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स को साथ में देगी, जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना होगा। हाइब्रिड मोड में ये कोर्स पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद 6 मंथ की एक इंटर्नशिप है। 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है उसमें 1 हफ्ते का एक इमर्शन प्रोग्राम रहेगा। सब के सब स्टूडेंट्स जो डीएवी यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे उन बच्चों को चेन्नई लेके जाया जाएगा एलएनटी के हेडक्वार्टर पे। वहाँ पे बच्चों को बताया जाएगा कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को कैसे अंजाम देना है और उसी ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को एक प्रोजेक्ट भी करना होगा जो कि एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन कैसे होगी, असेसमेंट कैसे होगी, क्या क्या स्टेजेस होंगी और जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग करने जाएंगे उन सब की जो फॉलोअप है वो एलएनटी एडुटेक खुद से लेंगे और उन सब बच्चों की ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग भी करेंगे और प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी देंगे जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट वो करेंगे। और उसके बाद सब लोगों को इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस भी दी जाएगी फ्रॉम एलएनटी एडुटेक। और ये कोर्स लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कोर्स लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कई बार लड़कियां ये सोच लेती हैं कि वो जो कोर ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की उनमें नहीं जाएं, जैसे कि मैकेनिकल है या ऑटोमोबाइल है। मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि अब सब इंडस्ट्रीज में ये कहा जा रहा है कि 10% मिनिमम जो है फीमेल्स जरूर होनी चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन भी हो। आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आके हमें कहती हैं कि अगर आपके पास गर्ल्स हैं तो विदाउट एनी इंटरव्यू वी विल सेलेक्ट देम फॉर कोर ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि लड़कियां कोर ब्रांच में कम एडमिशन लेती हैं। ज़्यादातर पे लड़कियों का ट्रेंड रहता है जो सर्किट ब्रांचेज हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इनमें लड़कियां जाना पसंद करती हैं। जबकि इंडस्ट्री में इस समय बहुत डिमांड है और बिकॉज ऑफ द स्टेचुटरी रीजंस लोग चाहते हैं कि 10% गर्ल्स जरूर हों, तो लड़कियों को बिना इंटरव्यू के भी बल्कि सेलेक्ट किया जा रहा है अगर वो कोर ब्रांचेस में है। तो मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो इस तरह की कोर ब्रांचेस में वो एडमिशन लेती हैं तो उनके लिए बहुत प्रोविजन्स है। जहाँ तक लड़कियों की प्लेसमेंट्स का संबंध है, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इस साल डीएवी यूनिवर्सिटी में जो हाईएस्ट पैकेज मिला है वो एक लड़की को मिला है और वो सिविल इंजीनियरिंग की लड़की है जिसको इंटरनेशनल प्लेसमेंट ऑफर हुई है आर्मेनिया में 32 लाख के पैकेज पे। तो लड़कियों का ऐसा नहीं है कि लड़कियों का स्कोप कम है, अगर लड़कियां इस फील्ड में आई हैं तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। इट्स ऑल अबाउट यू शुड हैव दैट पोटेंशियल इन यू। तो लड़कियों ने अपने आप को साबित किया है और एक लड़की को डीएवी यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 32 लाख का जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से ही मिला है। सर मैं जानना चाहूँगी कि कितने समय का ये प्रोग्राम है, कितना साल लगेंगे? सब बीटेक प्रोग्राम जो है उनका करिकुलम 4 साल का रहता है। ये कोर्स भी 4 साल का है और उस 4 साल के कोर्स में जो 6 महीने की एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगी जिसको कि इमर्शन प्रोग्राम से स्टार्ट किया जाएगा और एलएनटी उसको ओवरसी करेगी और ये सारे का सारा जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है ये एलएनटी की देखरेख में देखा जाएगा। और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में भी जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम एलएनटी के साथ इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसी एलएनटी सेंटर जो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल सेक्शन है और एम्बेडेड सेक्शन है वहाँ पे बच्चों की ये ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या क्या सहूलतें दी जाएंगी? सर हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, सो दिस इज अ प्रोग्राम वेयर द इंडस्ट्री इज एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड टू गिव द स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू वॉट वी डू इन इंडस्ट्री, हाउ वी अप्लाई वॉट वी स्टडी इन द यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द करिकुलम फॉर द स्टूडेंट्स एंड वी आर एक्चुअली रीइन्फोर्सिंग इट फ्रॉम द इंडस्ट्री सो दैट द स्टूडेंट्स बिकम
aware of the industry requirements, and then they become employable or industry ready from the day they come out after graduation from the university. मैम, आप खुद एक लड़की हैं, तो लड़कियों के लिए इस लाइन में क्या फ्यूचर है? या आई एम अ सिविल इंजीनियर. आई जॉइंड L&T फ्रॉम द कॉलेज थ्रू कैंपस 30 इयर्स अगो, एंड आई फील फॉर गर्ल्स इन ऑल द एरियाज देर इज़ फ्यूचर. आई डोंट थिंक दैट टुडेज़ वर्ल्ड वी शुड से सम एरियाज फॉर गर्ल्स इन सम एरियाज और फॉर बॉयज. आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दैट बिकॉज आई वॉज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, राइट? सो इट इज़ वॉट वी ब्रिंग टू द टेबल, एंड आई फाइंड दैट एज वीमेन we will be able to bring lot of diversity, different thought processes, more some kind of a balancing that can happen, right? Because we are all used to multitasking even otherwise. So especially for this field, if you say this is like any other core engineering, as sir was saying, this core engineering is the heart of any engineering, right? So this will be an application oriented in terms of how the the future, we are talking about sustainability, we are talking about energy conservation, we are talking about our country moving towards renewable type of energy. So this will be having a very good impact in that particular space. And for girls also, as one more thing is, L&T also has this kind of the gender diversity, where we are looking at recruiting more women engineers, women core engineers as well. Ma'am, is placement mein scope kya hai? So L&T looks at students across the country in various institutions, but through this we are partnering with universities that have similar vision and who are very sincere in terms of the students when they come out. We are looking for long term partnerships even with the universities, along with the students who can build a career at L&T. So the students who will take our programs will be given opportunities to sit for our placements, because we also feel that the students should perform, should earn this kind of opportunity, because the university is giving them this opportunity. They need to actually see the value in this, and once they are graduating, L&T will be considering these students as well for the placement opportunity. So हमारी Larsen & Toubro Limited company जो है वो $25 billion की company है. मैं कुछ और आपको facts बताना चाहूँगा इसमें, जैसे कि अगर आप रोजगार की तरफ से देखें, so प्रतिवर्ष हम लोग 34,000 बच्चों की recruitment करते हैं, और Larsen & Toubro ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में अगर टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ देखें तो 18 कंपनीज़ आती हैं, जिसमें L&T कंस्ट्रक्शन, L&T मैन्युफैक्चरिंग, LTTS, LTI माइंड्री, L&T फाइनेंस, ये सारी नामी गिरामी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी आती हैं. इन सबको मिला के देखा जाए तो 34,000 जो फ्रेशर्स जो हैं, हम इन यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालय से उठाते हैं बच्चों को. और इसके अलावा अगर हम एशिया में बात करें, तो एशिया में इंजीनियरिंग कंपनी में हमारा आप टॉप 10 में पाएंगे L&T को. और इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग साइड से देखा जाए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अगर IT फील्ड में देखा जाए या कंप्यूटर साइंस में देखा जाए, सो कंप्यूटर IT को मिला करके टॉप 5th में है जो L&T है, और टॉप 5th लार्जेस्ट कंपनी है ये भारतवर्ष की. इसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा रोजगार को देखें अगर, तो सो ये कंपनी जो है 3rd रैंक इनकी आती है, और इसके अलावा टाटा और रिलायंस भी हैं. ईवी का स्कोप, अगर हम ईवी के स्कोप पे बात करें, जो हमने अभी समझौता ज्ञापन पे साइन किया है अभी विश्वविद्यालय के साथ, सो उसमें हमने ये रोज़गार को देखते हुए 2030 तक लगभग पूरे भारतवर्ष में ईवी का रोज़गार बहुत ज़्यादा होगा. और आप अभी भी देखें, सो बहुत सारी कंपनियां जैसे MG मोटर्स हो गई, और आपकी टाटा हो गई, आपकी और भी कंपनीज हो गई, वो सारे 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर इस सेगमेंट में ऑलरेडी हैं. तो 2030 तक
ऑलरेडी रोजगार की जो और ज़्यादा इस पर निकल के आएगा, और हमारा ये कोर्स 2024 में लॉन्च हो रहा है, सो 2028 तक हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को इसके लिए तैयार कर चुके होंगे। सो इसमें हमारे साइड से टोटल 21 जो है विषय पढ़ाए जा रहे हैं, और बाकी के विषय जो है वो विश्वविद्यालय कराएगी। सो हमारे जितने भी L&T के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इंजीनियर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो आकर के इनको करिकुलम कराएंगे, इनको तैयार कराएंगे। इसमें प्रैक्टिकल भी है, इसमें बहुत सारा ऐसे एक्सपोजर भी मिलेंगे जिसमें हम इनको अपने साइट्स पे भेजेंगे जहाँ जा कर के ये अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। ईवी का स्कोप क्या है? ईवी का स्कोप मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 2030 तक मोस्टली आप देखेंगे इंडिया में सारे व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अभी भी इस प्रेजेंट टाइम में भी देखें, सो अभी दिल्ली का प्लान है, जैसे दिल्ली हमारी राजधानी है, सो उसमें भी प्लान है कि 70% तक जो व्हीकल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट व्हीकल्स हों या प्राइवेट व्हीकल्स हों, उनको कन्वर्ट करना है ईवी में। सो जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम टारगेट है वो 2030 है, क्योंकि बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस पे भी काम करना है। मेजर सिटीज़ में आपके चार्जिंग स्टेशंस लग चुके हैं, बट बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशंस लगने का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। सो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम ये लेके चल रहे हैं कि 2030 तक ये तैयारी पूरी हो जाएगी और पूरी तरह से हम फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर पाएंगे। और अभी भी जैसे मैंने बताया कि अगर, और इससे रोज़गार कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, हम बहुत सारे ये इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाएंगे, सो उसमें ये सारे इंजीनियर्स हमें चाहिए होते हैं। सो अभी भी जैसे मैंने बताया कि टाटा, MG, किया, ये सारी कंपनी जो हैं ऑटोमोबाइल की कंपनी, वो ऑलरेडी टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेगमेंट में हैं। ओला जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था अभी, सो ऑलमोस्ट सारी जितनी भी बड़ी कंपनियाँ वो ऑलरेडी हैं उसमें। सो सिमिलरली 2030 तक ये एम्प्लॉयमेंट, अगर रोजगार की तरफ से देखें तो ईवी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं हरमनजीत कौर, दैनिक सवेरा टीवी, जलंधर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।